सुबह 6 बजे से आए हैं ये चौकीदार। पहले ईंटा गारा कराया गया, अब ट्रैक्टर से लद कर ईंट आई है, अब उसे उतरवाया जा रहा है। इसी प्रकार चौकीदारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। हम माननीय अधिकारी से निवेदन करेंगे कि हम चौकीदारों के ऊपर कृपा करें, कुछ बोलने पर हम लोगों को रेटे गाली गलौज से संबोधित करते हैं और बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। आला अधिकारी से निवेदन करेंगे कि हम चौकीदार के साथ न्याय दिलाने की कृपा करें। नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जनपद जौनपुर का ये वीडियो बताया जाता है। पीड़ित चौकीदार अपनी दास्ता को लोगों तक पहुंचा रहे और अधिकारियों से अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि भाई साहब किंग से कई बार लोग सवाल करते हैं कि भाई साहब आप एक बात बताइए कि चौकीदारों के अलावा आप अन्य खबरें क्यों नहीं दिखाते। तो उनको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस विभाग का जिम्मा मेरे सर पर आ जाता है तो जब तक उसका उत्थान नहीं हो जाता तब तक हम उस विभाग के पीछे पड़ जाते हैं। और मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं कि ये जो गुलामियत भरी जिंदगी है आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन सवाल बनता है उन महानुभव अपने आप को नेता कहने वाले चौकीदार के खुद के नेता बैठे बैठे इस वीडियो का तमाशा देखते हैं। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इस शोषण के खिलाफ आवाज भी उठा सके। लेकिन जब कोई धरना प्रदर्शन या कुछ भी करने की तैयारी करता है तो उसको उंगली करने से ये बाज नहीं आते हैं। आपको बता दें कि जिस यूट्यूब पर बैठकर भौंकने का काम करते हैं, क्या यूट्यूब पर इस तरह के शोषण से भरे वीडियो को दर्शा सकते हैं? यदि दर्शा सकते हैं तो क्यों नहीं दर्शाना चाहते? आखिर ऐसी क्या है मजबूरी? जरा गौर से देखिए। तब वॉइस ऑफ किंग ही एक ऐसा आपके बीच में चैनल है जो आपकी ऐसी सच्चाई को लोगों तक उजागर करता है। जरा सोचो, क्या हमें समस्या नहीं आ सकती? आ सकती है, लेकिन हमें समस्याओं से टकराना आता है, क्योंकि मेरा गरीब मेरा भाई। इसलिए हमारा कोई भी गरीब भाई परेशान हो या तकलीफ में हो, उसे दिखाना हमारा एक फर्ज बनता है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। आपकी सेवा निस्वार्थ भाव से हम लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि जो लोग अंधभक्ति के साथ मुकदमा पर भरोसा करके बैठे हैं, आपको बता दें जानकारी के लिए कि कल पीआरडी के जवानों से मैंने बात की। उन्होंने बताया सिंगल वेज और डबल वेज में भी मुकदमा चल रहा है, लेकिन योगी सरकार मुकदमा के कोई पहलू ही नहीं करती, साइन तक नहीं करती। कोर्ट ने कई बार सरकार को फटकारा भी है, लेकिन सरकार को कोई भी असर नहीं पड़ता। तो आखिर चौकीदारों का क्या होगा? यह अब आपके दिमाग में होना चाहिए। आप तो खाली गुमराह हो गए। 2500-3000 रुपए जमा करके आप के साथ गलत हो गया है। आगे जरा वीडियो देखिए कि आखिर इनके साथ अत्याचार कितना है। बरसठी थाना चौकीदारों से थाने पे झाड़ू पोछा कराया जाता है और लेबराना भी करवा रहे हैं। कुछ बोलने पर धमकी देते हैं, हाजिरी नहीं लगाएंगे। देखिए, हमारे ये चौकीदार दीवार तोड़ रहे हैं और एक कंकड़ पत्थर तोड़वा पिटवा रहे हैं। और हमारे दादा चौकीदार, इनको ज़रा देखिए, इनके भी साथ बेरहमी से काम कराया जाता है। और कुछ हमारे और चौकीदार हैं, वह ईंटा गारा बालू बना रहे हैं। और हम अपने अधिकारी से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को न्याय दिलाने का कृपा करें। वीडियो बनाने का मकसद हम लोगों का यही है कि हम लोगों को जो सताया जा रहा है, जो प्रताड़ित किया जा रहा है, इससे हम लोगों को छुटकारा और मुक्ति दिलाया जाए। थाने पे सबसे ज़्यादा सताने वाले सिपाही रमाकांत यादव जी हैं, जो हम लोगों को हमेशा प्रताड़ित करते रहते हैं और हाजिरी भी नहीं लगाते हैं और धमकी हमेशा देते रहते हैं। जय हिंद।